हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लेव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो क्या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो सिर्फ सच्चे प्यार में एग्जिस्ट करती हों, झूठे प्यार में इनका नामो निशान तक ना हो? बिल्कुल हो सकती हैं। आज अपन बात करेंगे तीन ऐसी बातों के बारे में जो सिर्फ सच्चे प्यार में ही होती हैं, झूठे प्यार में नहीं होती हैं। बात करी जाए इस वीडियो के बनाने के पीछे इंटेंशन की, तो इंटेंशन इस वीडियो का ये है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट ट्रू लव के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा, बहुत ही एक्सटेंड करेगा। बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट है एवरी टाइम न्यू टाइम। अगर आपके रिलेशनशिप में ये है तो आपका रिलेशनशिप गारंटेड एक सच्चा रिलेशनशिप है, एक सच्चा प्यार है आप में। एवरी टाइम न्यू टाइम कहने का मतलब है आपका हर एक वक्त, हर एक लम्हा नए लम्हे की तरह आपको लगता है, लगने लगेगा, तब आपका प्यार सच्चा वाला है। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सबसे पहले एक कहावत की बात करते हैं, एक डायलॉग है कि 100 लोगों से प्यार करने से बेहतर है कि एक ही लोग से, एक ही इंसान से आप 100 दफ़ा प्यार कर लो, ठीक है। तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें है। मतलब आपने, जैसे मान लीजिए आपने अपने पार्टनर को फर्स्ट टाइम किस किया, तो वही फीलिंग सेकेंड टाइम में भी है और वही फील आप करा भी पा रहे हो, ये वही थर्ड टाइम में हो रहा है, वही फोर्थ टाइम में हो रहा है और वही एवरी टाइम में हो रहा है। तो इसका मतलब है आपका रिलेशनशिप सच्चा है। लेकिन फेक लव में क्या होगा? अब जो झूठा प्यार होगा उसमें ये चीज़ पाई जाएगी क्या? नहीं पाई जाएगी। उसमें क्या होगा कि फर्स्ट टाइम में ज़्यादा होगा, सेकंड टाइम में उससे कम, थर्ड टाइम में उससे कम, और फिर एंड द एंड एकदम कम हो जाएगा, फिर रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। तो ये झूठे प्यार की पहचान हो गई। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वजनदार है। 1 word is equal to 1 bullets। इसका मतलब ये है जब शब्द एक तलवार की तरह, गोली की तरह घाव करने लगे, तो इसमें ये साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, चाहे वो वन साइडेड ही क्यों ना हो। अब इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर को कुछ भी कहते हो, ठीक है, कोई भी बात कहते हो, जितना भी इमोशनल होकर कहते हो, लेकिन आपके पार्टनर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्या आप इसको सच्चे प्यार की लिस्ट में रखोगे? नहीं रखेंगे हम इसको, ठीक है, सच्चा प्यार नहीं है ये। जब जैसे मान लीजिए कि आपका पार्टनर जो भी आपको कहता है, आप उन बातों को लेके बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डीपली सोचने लगते हो, आपको बहुत चोट पहुँचती है, तो ये सच्चे प्यार का इंडिकेशन है क्या? बिल्कुल है। देखिए, किसी की बातों को सीरियस में हम कब लेते हैं? जब उन शब्दों को हम दिल पे लेते हैं तब सीरियस में लेते हैं। दिमाग पे अगर आएंगी वो बातें, दिमाग पे लेंगे तो उसको हम जैसे तैसे करके निपट लेंगे और सॉर्ट आउट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए सच्चे प्यार में, देखिए, प्यार जो है वो दिल का मैटर होता है, ठीक है, तो दिल पे अगर शब्दों को लिया जा रहा है तो वो सच्चे प्यार का इंडिकेशन है। इन शॉर्ट में इसका कंक्लूजन ये है कि अगर शब्दों के माध्यम से चोट पहुंचने वाली सिचुएशन आ गई है तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है एक तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की हो गई, बात करते हैं तीसरे की। फाइनल पॉइंट है कमिटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कमिटमेंट। अगर आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट है, आप दोनों जन अगर कमिटेड हो अपनी अपनी जगह पे, तो आपका रिलेशनशिप गारंटेड सच्चा वाला रिलेशनशिप है और बहुत दूर तक जाओगे आप लोग, बहुत लंबा आपका रिलेशनशिप चलेगा, कभी टूटेगा नहीं, ठीक है। अब एक बात समझना है, यहाँ पे कमिटमेंट और प्रॉमिस में अंतर है, ठीक है, लोग इसको मिसमैच कर देते हैं, समझिएगा आप। मैं प्रॉमिस के एक तरीके से साथ में नहीं हूँ, खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस के फेवर नहीं करता हूँ, मैं कमिटमेंट को फेवर करता हूँ। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस तो वो चीज़ है जो आप दूसरे से करते हैं, ठीक है, जब आप दूसरे से कोई वादा करते हो, प्रॉमिस उसको बोला जाता है। लेकिन कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट को हम खुद के स्तर पर करते हैं, खुद से करते हैं, समझ में आ गई बात आपको। प्रॉमिस वो है जो दूसरों से करते हैं हम, कमिटमेंट वो है जो हम खुद से करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने अपने स्तर पर ये कमिटमेंट किया है, आपने और आपके पार्टनर दोनों ने कमिटमेंट लिया है कि हम शादी के बाद फिजिकल होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, ये गलत है, ठीक है। तो आपने अपनी वैल्यू को, अपनी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए ये कमिटमेंट अपने अपने स्तर पर लिया है, इसलिए पूरी संभावना है कि आप इस निर्णय को मुकम्मल कर पाओगे, इसको निभा पाओगे। लेकिन प्रॉमिस नहीं है ये कमिटमेंट है। तो इस तरीके से अगर आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट है, आप अपने अपने स्तर पे कमिटमेंट लेते हो, तो आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली सच्चे वाला है, ठीक है। एक बार क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा एवरी टाइम न्यू टाइम, हर एक वक्त नए वक्त की तरह होना चाहिए। सेकेंड टाइम हमने देखा वन वर्ड वन बुलेट के समान, यानी कि जब शब्दों को दिल पे लिया जाने लगे तो आपका रिलेशनशिप सच्चा है। अगर आपका पार्टनर दिल पे नहीं ले रहा है, दिमाग पे ले रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली वो झूठा रिलेशनशिप। तीसरा हमने देखा कमिटमेंट, प्रॉमिस नहीं, कमिटमेंट की बात है यहाँ पे।
तो कंप्लीट हमने ये सेशन देख लिया। सो, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि उनके भी हेल्प हो सके, वो भी इसका लाभ उठा सकें। शेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना? आप लोग शायद शेयर नहीं करते हैं तो शेयर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और अपडेट आपको मिलते रहेगी, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा तो पावरफुल वीडियो आपको मिलते रहेगी। और फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन उसको लिखना कतई मत भूलना, आपके कमेंट को ज़रूर देखा जाएगा, ज़रूर पिक किया जाएगा। और फाइनली आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए लव इंटरसिटी @CM4, वहाँ पर हमारे लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।